स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया राज्यों के साथ कोरोना को लेकर करेंगे हाई वोल्टेज मीटिंग आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कंजारिया राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी महोत्सव के तहत दलित सम्मेलन को संबोधित करेंगे आज। आरएसएस चीफ मनमोहन भागवत जयपुर में करेंगे राष्ट्रीय सेवा संगम का उद्घाटन। नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन से फिर शुरू होगी रामायण यात्रा। कारगिल युद्ध के नायक बीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर का आज अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उपस्थित थे। उत्तराखंड के देहरादून जिले के तूनी पुल के पास कल शाम घर में लगी भीषण आग से चालकों की मौत हो गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही हैं। उड़ीसा में अंतर्राष्ट्रीय कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र पर गुड फ्राइडे पर रेत की कलाकृति बनाई है। दिल्ली में पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों ने राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। साउथ वेस्ट दिल्ली के कापसेड़ा इलाके में आई रात अचानक एक गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग फैल गई। मौके पर 14 गाड़ियां मौजूद हैं और 70 फायर कर्मी आग को बुझाने में लगे हुए हैं।